स्टूडेंट्स वेलकम बैक। जैसे कि आपको आई हैव बेसिकली पहली वीडियो मैंने आपको बताया बेटा बेसिकली दैट व्हाट इज बेसिक कोर्स ऑफ द क्लास 10 इन बायोलॉजी। सो इन दिस लेक्चर इन दिस वीडियो आई विल बेसिकली आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस कोर्स, आपको इस कोर्स में कैसी तैयारी करनी है बेटा। तो सबसे पहले बेटा यू बेसिकली गो थ्रू द एनसीईआरटी, जो भी हम आपको जो लेक्चर्स देंगे, वीडियोस देंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, क्लासेस आपकी चलेंगी। तो बेटा जो भी क्लासेस के बाद जो भी आपको नोट्स मिलेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो नोट्स को आपने बहुत धीरे बहुत ही ध्यान से आपको रीड आउट करने हैं और अपने लेक्चर्स के साथ कोरिलेट करने हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप आपका आता है एनसीईआरटी। बेटा आप एनसीईआरटी को बेसिकली ब्रीफ लेवल पे एक लाइन टू लाइन रीड करेंगे। थर्ड लेवल पे आपके पास हम जो आपको एक्स्ट्रा कंपटीशंस के लिए कुछ आपको लिंक्स देंगे या कुछ आपको नोट्स देंगे, वो आपने रीड करने हैं। उसके बाद बेटा आपने बेसिकली यू नीड टू प्रिपेयर सेल्फ नोट्स, आपको खुद अपने एक नोट्स बनाने हैं अपनी हैंडराइटिंग में दैट व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस टॉपिक, वो नोट्स बन जाएंगे बेटा। फिफ्थ पॉइंट आपका ही आता है, उसके बाद देन यू नीड टू प्रैक्टिस थ्रू द डिफरेंट लाइक बेसिक वर्कशीट जो हम आपको देंगे, उसमें MCQs होंगे, वो आपने प्रैक्टिस करने हैं। सिक्स पार्ट आपका ये रहेगा, बेसिकली जो आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं, वर्कशीट्स मिलती हैं, आपकी एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइजेज हैं उनके क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे दैट यू नीड टू राइट इन द सेपरेट कॉपी। सो बेसिकली यू नीड टू हैव टू कॉपीज, बेसिकली यू नीड टू प्रिपेयर टू कॉपीज नाउ फॉर बायोलॉजी, वन फॉर द कोर्स सिलेबस, one for the notes of the syllabus and second for the assignment worksheet. And basically uske baad beta then next is part is basically like MCQs wo bhi aapke usme assignments copy mein ho jayenge. To iske sath ye hamara ek plan of work hai, hamara plan of work yahi rahega. Sabse pehle lecture, theek hai, first part is lecture, सेकेंड पार्ट इज बेसिकली नोट्स जो हम आपको देंगे वो रीड करेंगे आप, थर्ड पार्ट इज एनसीईआरटी जो आप रीड करेंगे, फोर्थ पार्ट आपको जो आपको वर्कशीट दी जाएंगी, डॉक्यूमेंटेशन जो आपको दिए जाएंगे पीडीएफ में या आपको हार्ड कॉपीज, जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो आपको हार्ड कॉपीज मिल जाएंगी, वो आपको सारे रीड आउट करने हैं। फिफ्थ पार्ट में अपने खुद अपने नोट्स खुद बनाने हैं विद रेफरेंस ऑफ द लेक्चर, विद रेफरेंस ऑफ द नोट्स गिवन बाय अस, विद रेफरेंस ऑफ द एनसीईआरटी। ओके, वो नोट्स आपने खुद बनाने इन योर होन राइट इन योर होन बेसिकली हैंड राइटिंग। उसके बाद बेटा आपको कुछ जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सब सॉल्व करेंगे एंड लास्ट पार्ट विल कंप्राइजेस ऑफ द टेस्ट ऑफ द एंटायर पार्ट, जो भी आपका चैप्टर वन है उसका एक लास्ट में उसका टेस्ट हो जाएगा। तो इससे आपका आपको अपनी परफॉर्मेंस चैप्टर में पता लग जाएगी व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। सो विद दिस नाउ इन द थर्ड वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक वेरी बेसिक चैप्टर of this class plus one that is the cell. तुम सबसे basic chapter start करने वाला हूँ मैं अभी cell chapter. Cell chapter के बाद आपको basic जो cell के जो basic introduction आपको दूंगा मैं आज, वो आपको मैं small small part में आपको divide करके आपको मैं videos आपको upload करूँगा। तो उसमें सारी videos को आप देखिए, उसमें जो भी comments होंगे आपके वो आप हमारे channels पे या आप मुझे अपने personal numbers पे message पे group में आप कर सकते हैं। तो I will be very happy to solve your all the queries. So let's start with the class plus one. Best of luck for you.